हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं वेल्सपन ग्रुप की एक पायनियर कंपनी वेल्सपन कॉरपोरेशन के बारे में। ये कंपनी वेल्सपन हम जानते हैं हम लोग कि काफ़ी बड़ा ग्रुप है ये, और इनके तीन चार कंपनियां हैं। तो उसमें से एक कंपनी है वेल्सपन क्रॉप कॉरपोरेशन। ये कंपनी बड़े बड़े पाइप्स बनाती है दोस्तों, जो पाइप्स ऑयल जो होता है, ऑयल है, गैस है और वाटर है, जो बड़े बड़े पाइपलाइन होती है उस वो पाइपलाइन मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। और इसके कस्टमर्स सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये इसके मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, सब जगह पे इसके कस्टमर्स होते हैं। और ये वन ऑफ द टॉप लीडिंग कंपनीज में से आती है वर्ल्ड की बिग साइज पाइप बनाने के बारे में। इस कंपनी के हम लोग फंडामेंटल जान लेते हैं, वेल्सपन का फंडामेंटल्स के बारे में बताएंगे। तो पी इसका 5 का है, जो कि बहुत ही अंडर वैल्यूड है। 5 का पी है दोस्तों, और इसका बुक वैल्यू है 145 का। 145 का बुक वैल्यू है, और इसका आज का क्लोजिंग रेट था 131 का। तो बुक वैल्यू से भी कम रेट में मिल रही है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, इसका EPS है 25 का। जी हाँ, अच्छी अच्छी कंपनियों का देखेंगे 25 का, जिसका EPS होता है उनके रेट 1200-1500 चलते हैं, और इसका रेट है 131 का आज का। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, कंपनी में कोई डेट नहीं है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू अगर देखेंगे हम लोग, तो उसका है 273, और ये इसका रेट आज का है 131। दूसरी बात, इसका ग्राम नंबर है 289 का, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा है इसके आज के करंट प्राइस के से। अब आप सोचेंगे ये कंपनी इतनी अंडर वैल्यूड क्यों है। दोस्तों, इसका जून क्वार्टर ख़राब आया था, और इसीलिए शेयर काफ़ी गिर गया। और क्योंकि देखिए, जून क्वार्टर में आप जानते हैं कि कोरोना का काफ़ी सब जगह पर चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में ही प्रॉब्लम चल रहा था, सेकेंड वेव चल रही थी, उसके कारण इनके सब काम रुके हुए थे। इसके लिए जून क्वार्टर ख़राब आया और ये शेयर गिर गया। इसका 52 वीक हाई था 165 का, और इसका आज का क्लोजिंग था 131 का। और इम्पॉर्टेंट बात है, इसका सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट कल आ रहा है, जो कि है 28 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ रहा है, जो कि अच्छा आने की उम्मीद है। कल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। इसका प्रोमोटर होल्डिंग है 50%, जो कि अच्छा है, और FII का होल्डिंग है 9%, जो भी बहुत अच्छा है, और DII का होल्डिंग है 7.5%, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये लॉन्ग टर्म की कंपनी दोस्तों, वेल्सपन कॉरपोरेशन, और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अभी कोरोना ख़त्म हो चुका है, तो इसका बिजनेस बढ़ने वाला ही है, और इसके पास काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है। जून क्वार्टर में इसका काम रुक गया था, इसीलिए इसका प्रॉफिट कम हो गया, इसीलिए शेयर गिर गया। तो कल उम्मीद है सितंबर क्वार्टर इसका अच्छा आएगा, तो ये शेयर अच्छे आने वाले दिनों में हो सकता है कि लॉन्ग, अभी तो एक दो तीन महीने में ये 180-190 रिजर्व के भी अपने लेवल्स दिखा दे। तो वेल्सपन कॉरपोरेशन को आप वो हिसाब से स्टडी करके पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए बारे में डिसीजन लीजिए। थैंक यू।